हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीलिंग फैन में तीन वायर का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से इसमें कैपेसिटर लगाया जाता है और कौन सा कैपेसिटर सीलिंग फैन के लिए सही रहता है। तो इसके बारे में हम आपको चलिए वीडियो को बता शुरू देंगे। करते हैं और बताते हैं आपको कि तीन वायर का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। इसके लिए आपको सिर्फ एक सीरीज बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका वीडियो हमने पहले ही बना रखा है। इस प्रकार का सीरीज बोर्ड कैसे बनाया जाता है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस प्रकार का सीरीज बोर्ड लेना है आपको और उसमें इसका वायर जोड़ना है और स्विच ऑन करने पर इस प्रकार से बल्ब जलने लगता है। तो अब आपको किसी भी दो वायर पर लगाना है दोनों वायरों को और बल्ब जलना चाहिए। देखिए, दो जब एक वायर पर लगाकर दो अन्य वायरों पर लगाते हैं तो बल्ब लगभग समान ही जलता है। यदि बल्ब लगभग समान जलता है एक वायर पर लगाने पर और तो वह कॉमन वायर होता है। तो देखिए, इन दो वायरों में सबसे कम जलता है बल्ब। जिन दो वायरों पर बल्ब सबसे कम जलता है उन दो वायरों में कैपेसिटर लगाया जाता है और कैपेसिटर सीलिंग फैन के अंदर 2.5 mFd का लगता है। लगभग सभी सीलिंग फैन में यही लगता है, किसी किसी में 3.15 mFd का भी लग सकता है। तो देखिए, रेड के साथ जब दोनों वायरों पर दूसरे वायर को लगाते हैं तो बल्ब लगभग समान ही जलता है। तो रेड कलर वाला वायर जो है ये कॉमन वायर है और ये दोनों वायर में से एक रनिंग का वायर है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है। तो देखिए, जब कॉमन वायर रेड पर लगाकर किसी भी दोनों वायरों पर लगाते हैं तो बल्ब लगभग समान ही जलेगा। तो इससे पता चलता है कि हमारा कॉमन वायर रेड है। तो रेड वायर है, इसमें सप्लाई का एक वायर डायरेक्ट जुड़ जाता है और जो बाकी दो बचे हुए वायर है रनिंग और स्टार्टिंग के, एक एक वायर जैसे ग्रीन और येलो वायर है, इसमें से एक एक कैपेसिटर का वायर जोड़ देना है। तो इस प्रकार से कैपेसिटर लेना है। 2.5 mFd का कैपेसिटर लिया है हमने, तो इस कैपेसिटर को दोनों वायरों में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में आपको सप्लाई किन वायरों में देनी है वो वीडियो में आगे देखिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, ये दो सप्लाई के वायर हैं जो सीरीज बोर्ड से हमने निकाले हैं। तो इन वायरों को किस पर लगाना है आपको देखना है कि एक एक रेड कलर पर लगाना है जो कॉमन वायर है और दूसरा किसी भी वायर में लगाकर देखिए। जब शाफ्ट सीलिंग फैन की शाफ्ट सीधा चलती है तो फैन आपका उल्टा चलेगा। तो शाफ्ट इस प्रकार से उल्टे साइड घूमनी चाहिए, फैन आपका सीधा चलेगा। तो देखिए, सप्लाई का वायर किन दो वायरों में आपको लगाना है। तो एक रेड के साथ लगाना है और एक ग्रीन के साथ लगाते हैं तो हमारा जो सीलिंग फैन का शाफ्ट है वो उल्टा चलता है। इसका मतलब हमारा जो सीलिंग फैन है वो बिल्कुल सीधा चलेगा। तो शाफ्ट और सीलिंग फैन की जो घूमने घूमने की प्रक्रिया परस्पर एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इस प्रकार से आपको जो येलो वायर है इसका अब कोई काम नहीं है, कैपेसिटर से सप्लाई जाएगी। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है तो इसको बीच वाले टर्मिनल में कस देना है। तो इस बीच वाले टर्मिनल में अच्छे से कस दिया है, ऊपर और नीचे का दो टर्मिनल खाली बच रहा है जिनमें सप्लाई का वायर भी जाएगा। तो अब ये जो कॉमन वायर है रेड कलर का, इसको ऊपर वाले या नीचे वाले टर्मिनल में आप किसी भी टर्मिनल में जोड़ दीजिए एक में। तो इस प्रकार से आपको इसमें जोड़कर अच्छे से टाइट कर देना है और इसको टाइट करने के बाद में आपको जो ग्रीन वायर के साथ कैपेसिटर का वायर जुड़ा है ये नीचे वाला जो एक टर्मिनल रिक्त बचा है इसमें लगा दीजिए और इसके अंदर अच्छे से टाइट कर दीजिए। तो ये जिस प्रकार से आप नया सीलिंग फैन लेते हो कनेक्शन आता है उसी प्रकार से कनेक्शन होकर कंप्लीट हो गया है। अब जो सप्लाई का वायर जिस प्रकार से नए फैन के अंदर आप लगाते हो उसी प्रकार से लगाना है। तो सीलिंग फैन में तीन वायरों का कनेक्शन इस प्रकार से किया जाता है, वो भी सीरीज बोर्ड की सहायता से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कैपेसिटर किन दो वायरों में जुड़ेगा और कॉमन वायर कौन सा है। तो इसका पता लगाना बिल्कुल आसान होता है। तो इन दो टर्मिनल में अब सप्लाई का वायर जुड़ जाएगा। अब हम आपको इसको चलाकर दिखाते हैं कि हमारा फैन
सीधा चल रहा है या उल्टा। तो देखिए शाफ्ट उल्टा घूम रहा है, तो इसका मतलब फैन हमारा सीधा चलेगा। तो देखिए हम आपको चलाकर दिखाते हैं। तो इस प्रकार से सीलिंग फैन को टेस्ट किया जाता है इस सीरीज बोर्ड से। तो देखिए हमारा फैन बिल्कुल सीधा चल रहा है और काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रहा है, क्योंकि कैपेसिटर हमने नया लगाया है। तो इस प्रकार से सीलिंग फैन का कनेक्शन होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।